अच्छे से डेकोरेट कर रखा होगा। जन्माष्टमी पे इतने अच्छे से इन्होंने सबको सजा रखा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो गाइज, आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और आपने इंडिया में तो जन्माष्टमी देखी है, तो आज कनाडा के टोरंटो के स्काउन टेम्पल में भी आप लोग देख लो कि जन्माष्टमी का कैसा सेलिब्रेशन होता है। तो मैं आ गया हूँ टोरंटो में स्काउन टेम्पल में, तो हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितने अच्छे से सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे। लगता ही नहीं कि आप लोग कनाडा में हो, बिल्कुल भी फील नहीं आती। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है स्कॉन टेम्पल टोरंटो में। यहाँ पे ये देखो, हरे कृष्णा टेम्पल है, ये स्कॉन टेम्पल है यहाँ का और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी पे आप देख ही रहो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई है और रोड पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग चुका है जिसकी वजह से। और जन्माष्टमी है तो यार भीड़ तो ऑब्वियसली होनी थी। तो गाइज़, ये पूरा शू स्टैंड बना रखा है, जैसे इंडिया में मंदिरों में होता है अपने, वैसे यहाँ पे आज इन्होंने बाहर लगा रखा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और ट्रैफिक भी देख रहे हो कितना ज़्यादा हो रखा है चारों तरफ। तो गाइज, लाइन का यहाँ पे कोई एंड नहीं है और भीड़ बढ़ती जा रही है जैसे जैसे शाम हो रही है यहाँ पे। तो यार हम लोग बिना टाइम वेस्ट करें मंदिर के अंदर चलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे शाम होगी और ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा भीड़ होगी। तो अब हम लोग मंदिर चलते हैं अंदर स्कॉन टेम्पल में। हरे कृष्ण। मैं फर्स्ट टाइम स्कॉन टेम्पल आया हूँ कनाडा में और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मंदिर इतने अच्छे से डेकोरेट कर रखा होगा। जन्माष्टमी पे इतने अच्छे से इन्होंने सबको सजा रखा है और इतनी अच्छी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रखी हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, और इतना प्यारा मंदिर बना रखा है, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। हरे कृष्णा जी, यहाँ पे प्रसाद दिया है और काफी लंबी लाइन है, बट प्रसाद सबको दिया जा रहा है कि करके। यहाँ पे कचौड़ी खाने के लिए आप स्नैक्स ट्राई कर सकते हैं, गोविंद दास नाम से है, तो काफ़ी अच्छी कचौड़ी होती है सुना है, तो हम लोग भी ट्राई करते हैं यहाँ पे। इस प्रसाद में अपने को यहाँ मिली है खिचड़ी और साथ में बर्फ़ी और एक पेड़ा, तो ये सबको एक पेड़ा एक बर्फ़ी और खिचड़ी दी जा रही है। बहुत टेस्टी खिचड़ी है और सबके लिए सफिशेंट प्रसाद बनाया है यहाँ पे। बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, थोड़ा टाइम ज़रूर लग गया लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मेरे पीछे देख रहे होगे आप लाइन, ये लाइन नहीं ख़त्म होगी आज रात तक, बहुत ही भीड़ है क्योंकि। बट यार बहुत अच्छा लगा मंदिर में आके। और यहाँ पे आसपास रहने वाले जो कैनेडियन हैं घरों में, वो भी सोच रहे होंगे आज की पता नहीं क्या हो गया, मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ कैसे होगी। बट सबको पता लग गया होगा यार, कृष्ण जन्माष्टमी है, सब जानते हैं और सब लोग कृष्ण जी को फॉलो करते हैं। तो भाई उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।